our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. तो जी अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आ रहा है मेरा भाई मेरे घर पर। तो जी बस अब मैं काम करने लगी हूँ, बस मुझे अभी याद आया कि चले व्लॉग भी बना लेते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैंने ये शीट चेंज कर ली है काउच की, अब मैं बेड की शीट चेंज करूँगी आपको ट्रांसफॉर्मेशन। जी हंसला फैसल मामा आ रहा है। अच्छा फैसल, इनका मामा आ रहा है तो ये भी एक्साइटेड है। चलें जी अब बस मैं ये शीट चेंज करूँगी, उसके ये चेंज हो चुकी है, ये चेंज करूँगी, उसके बाद जी थोड़ा सा रूम सेट करूँगी, बच्चों को फ्रेश करूँगी, थोड़ी सी डस्टिंग करवाऊँगी अभी से अच्छे से, उसके बाद जी मैं जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी खाना अच्छा सा अपने भाई के लिए। तो बस जो जो चीज़ें उसे पसंद हैं जल्दी से वो रेडी करूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद। तो जी बस यहाँ पर मैंने ये बेडशीट भी चेंज कर ली थी और जी यहाँ पर काउच की भी चेंज हो गई थी और नीचे मैंने कारपेट पर भी जो है वो शीट बिछा दी ताकि बच्चे वहाँ बैठ जाएं। बस मैं आ गई थी यहाँ किचन में और मैंने जल्दी से ये चिकन में बनाई थी निहारी, क्योंकि ये मेरे भाई ने फरमाइश की थी कि मैं जो है ना वो निहारी लाजमी खाऊँगा। और तो सब कुछ बनाना था ही वैसे, लेकिन इसको मैंने स्पेशली उसके लिए बनाया था, तो बस थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया क्योंकि अगर मैं सारी कुकिंग रिकॉर्ड करती ना तो आप लोग बोर ही हो जाते। तो बस यहाँ पर जस्ट मैंने इसकी भुनाई की थी और बस इसको जल्दी से मैंने बना दिया था, हैव अ लुक। और मैंने इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया था, बिल्कुल ही नॉर्मल रखा था क्योंकि इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता मेरा भाई। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ जो है ना वो चीज़ें काट कर रखी थी लाइक जिंजर और हरा धनिया, हरी मिर्च, ताकि जिसको स्पाइसी करना है वो स्पाइसी कर ले। और बस फिर मैंने यहाँ पर खाना लगा लिया था और खाना वाना अच्छे से खा करना फिर हम निकल गए थे बाहर। मौसम काफ़ी अच्छा था उस दिन और फिर पीछे से सुने और डॉग्स की बार्किंग की आवाज़, तो मैं क्या करूँ, यही टाइम मिलता है भाई मुझे वॉइस ओवर करने का, तो बस इसको प्लीज़ अवॉइड करें क्योंकि कॉन्टीन्यूसली ना ये डॉग्स बार्किंग कर रहे हैं बाहर और मुझे जो है ना वो मजबूरन वॉइस ओवर भी इसी टाइम करना होता है। तो खैर बाहर निकल गए थे और बाहर निकलने के बाद इतनी कोई तूफ़ानी बारिश थी ना, हद से ज़्यादा कोई बारिश थी ना, कि बस हमारा इरादा था कि घर वापस चले आएँ, लेकिन नहीं भाई, बच्चों ने कहा बस निकले हैं तो हमें कुछ ना कुछ खिला के ही घर भेजें। तो बस फिर हमने जो है ना वो वापसी का तो इरादा किया भी, वापसी कर भी रहे थे, लेकिन फिर बस बच्चों की वजह से ना बस थोड़ा सा तूफ़ान को झेला और फिर पहुँच गए इनको थोड़ी सी आइसक्रीम खिलाने के लिए। और ये देखें यहाँ पर हंजला किसी ना किसी के साथ जो है ना ये मसरूफ़ हो ही जाता है, और यहाँ पर कोई इनके मैनेजर थे, उन्होंने उनको हंजला का ये जो है ना वो अंदाज़ पसंद आ गया और बस वो उनके साथ खेलने लग गए और यहाँ पर जो है ना वो हंजला इनके साथ सेट हो गया। तो बस किसी ना किसी के साथ इसको सेट होना होता है। बस इन्होंने यहाँ पर आइसक्रीम इंजॉय की और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो चलें अच्छा ही लग रहा था मुझे भी कि चलें बच्चे फिर प्ले कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा ये खेल भी लें, इनको जो है ना वो अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ये टहले हैं, खेले हैं और फिर हम चले गए थे घर वापस। और ये क्लिप है जनाब रात की, क्योंकि रात फिर बच्चों ने तंग किया तो फिर हम निकले थे बाहर, तो फिर इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर जंपिंग की। अच्छा बस ये समर वेकेशन चल रही है ना, तो फिर बच्चों की किसी भी चीज़ को जो ना वो नज़रअंदाज नहीं किया जाता कि बस इनको अगर कहीं खेलने को या घूमने को दिल चाहता है तो मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि यही तो इनका टाइम है भाई इंजॉय करने का। फिर वही ट्यूशन, स्कूल, कुरान पाक और इन सारी चीज़ों में बच्चे इतने कोई बिज़ी हो जाते हैं कि इनको रात को 8 बजे बेचारे सो जाते हैं हर चीज़ से थके आ रहे जो ना। बस फिर जो है ना यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मैं अमीर हो गई और थोड़े से क्या बहुत सारे पैसे निकाले, देखे कितने सारे पैसे निकाले मैंने। तो बस जनाब फिर यहाँ पर ATM में काम था वो कंप्लीट किया और घर आ गए। और घर का रूटीन आप सबको पता है हम अम्माओं का क्या होता है कि बस सारा दिन घर समेटना होता है। बच्चों को मैंने दी थी दोपहर के टाइम में आइसक्रीम जो मैंने घर में बनाई थी लाइक स्लाइस जूस से ही मैंने जो है ना वो बना ली थी, वो उन्होंने खाई, तो ये यहाँ पर ही छोड़ कर चले गए और फिर बाहर निकल गए थे। और फिर उसके बाद जो है ना मैं घर वापस आई हूँ तो मैंने उनको वॉश किया है। और बस रात के खाने में मैंने कोफ्ते बनाए थे और यहाँ पर मैंने मैंगोज़ भी कट करके रखे थे। और बस यहाँ पर जैसे हम घर वापस आए तो फिर हमने अपना खाना खाया, रात का डिनर किया, और उसके बाद जी मैं यहाँ पर आपको दिखाने लगी हूँ
मिशकात फातिमा की जो है वो एनुअल रिज़ल्ट भी आ गई थी और माशाल्लाह से मिशकात फातिमा ने ए प्लस ग्रेड लिया था और बहुत ज़्यादा खुश थी। और मिशकात फातिमा की ये जो फाइल है इसके अंदर सारे इसके वो रिपोर्ट्स हैं जो इसने एनुअल दिए हुए हैं और वो सारे पेरेंट्स को देते हैं चेक के लिए, ताकि आप बेशक चेक कर लें कि आपके बेटे ने कैसे पेपर्स दिए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मिशकात का पाउच भी था जो मिशकात को एज ए गिफ्ट मिला था, पोजीशन जो होल्डर्स थे जिन बच्चों को मिला था तो मिशकात फातिमा को भी मिला था। यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट था और जिसके अंदर मिशकात की नाजरा रिजल्ट थी। नाजरा मतलब इनकी जो कायदा, यहाँ पर ये कायदा भी पढ़ते हैं स्कूल में, तो कुरान पाक की भी रिजल्ट थी। और इस पाउच के अंदर था एक पेंसिल और एक शॉर्पनर था, तो ये चीज़ थी इसके अंदर। बस बच्चे जो ना इसी चीज़ में खुश हो जाते हैं, तो बस स्कूल की तरफ से इसकी ये रिज़ल्ट आ गई थी। तो मैं मिशकात ने कहा कि मम्मा आप शेयर करें ब्लॉग में भी, तो बस ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। सो आई होप कि आज का ब्लॉग, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।